नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजल सिंह। तो जैसा कि हमारे किसान दर्शक जानते हैं कि गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आप तक खेती किसानी से जुड़ी हुई तमाम नई जानकारियां पहुंचाते हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताते हैं कि कैसे वे अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के गाँव किसान की। आज के गांव किसान में खेती किसानी में हम बात करेंगे कि कैसे सरकार किसानों की आय को 2022 तक दुगुना करने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। इसके साथ ही हमारा पशुधन में हम आपको दिखाएंगे एक सफल पशुपालक की कहानी और अंत में होगी कामयाब किसान की दास्तां। तो चलिए शुरुआत करते हैं खेती किसानी से। देश को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए सबसे पहले ध्यान देना होगा कृषि और किसान पर, और वैसे भी कृषि को देश की आर्थिक स्थिति के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इसे देश की रीढ़ भी कहा जाता है। सरकार भी इस बात को भली भांति समझती है। शायद इसीलिए सरकार ने बीड़ा उठाया है कि साल 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो और इसी दिशा में तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। तो कैसे सरकार ने एक और नया प्रयास किया है, आइए डालते हैं इस पर नजर। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूसा के नास्क कॉम्प्लेक्स में किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समितियों द्वारा रणनीतियों और योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। पद्म विभूषण प्रोफेसर M.S. स्वामीनाथन ने किसान आय को दोहरीकरण करने के लिए रोडमैप पर मुख्य भाषण दिया। अपने संबोधन में उन्होंने जोर देकर कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र, कृषि प्रणाली और फसल पद्धति के दृष्टिकोण के बाद जमीन, पानी और श्रम उत्पादकता में वृद्धि के जरिए आय बढ़ सकती है। डॉक्टर स्वामीनाथन ने अप्रयुक्त संसाधनों, महिला किसान सशक्तिकरण और बायोमास उपयोग पर बल दिया। उन्होंने उन किसानों की सूची तैयार करने का सुझाव दिया जिन्होंने अपनी आय को दोगुनी कर दी है और उन सफल किसानों के उदाहरणों को दूसरे किसानों के बीच दोहराने पर जोर दिया। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने अपने विचार साझा किए और बताया कि इस किसानों की आय दोहरीकरण में ICAR की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने राज्य स्तर समन्वय समितियों से आग्रह किया कि प्रत्येक राज्य के भीतर कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने और किसानों के क्षेत्र में ICAR NARS अनुसंधान प्रणाली द्वारा विकसित किए गए मॉडल को अधिक प्रभाव के लिए प्रदर्शित किया जाए। उन्होंने राज्य स्तर समन्वय समितियों के गठन की पहल को लेकर ICAR के प्रयासों की सराहना की और किसानों की आय को दोहरीकरण के लिए राज्य विशेष रणनीतियों का विकास पर बल दिया। के इसके लिए तीन तरह के एरिया में हम प्रयत्न कर रहे हैं। पहला एरिया है कि जो हमारे डेवलपमेंट इनिशिएटिव हैं, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फसल बीमा योजना, क्रेडिट ENM, परंपरागत कृषि विकास योजना RKBY, तो उनके जरिए इरीगेटेड एरिया इंक्रीज किया जाए, इनपुट का यूज़ बढ़ाया जाए, वैल्यू चेन प्रमोट की जाए, तो वो एक एरिया है। दूसरा ये है कि पॉलिसी रिफॉर्म, क्योंकि कई जगह बार प्रोडक्शन हो जाती है लेकिन फार्मर को रीजनेबल प्राइस नहीं मिलता, तो कैसे इंश्योर करें कि फार्मर को MSP मिले, रिम्यूनरेटिव प्राइस मिले, तो उसके लिए APMC में हमने रिफॉर्म का जो एजेंडा है स्टेट्स के साथ लिया, तो वहाँ पर जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं ताकि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन वहाँ इंक्रीज़ हो और फार्मर जहाँ चाहें वो डायरेक्टली कंज्यूमर को भेज सकें और जो रिस्ट्रिक्शन हैं अभी वो उस पर कम से कम हो जाएँ। और तीसरा एरिया जो है वो ये टेक्नोलॉजी का है कि टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बताया कि यील्ड गैप अभी भी हमारे कंट्री में बहुत है, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के अंडर इवन राइस में भी अभी 60% एरिया आया है, तो ये टेक्नोलॉजी को जो ऑलरेडी विकसित हो चुकी है उसको फार्मर फील्ड पे ले जाना और नई टेक्नोलॉजी विकसित करना और फार्मिंग सिस्टम बनाना। आगे को आपको एक या दो क्रॉप से बहुत ज़्यादा इनकम नहीं मिलेगी, तो एक डिवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम बनाना जिसमें आप तरह तरह की क्रॉप्स रखिए, सीरियल भी रखें, कुछ पल्सेस, कुछ वेजिटेबल्स,
लाइव स्टॉक, हो सके तो स्मॉल फार्मर, गोट्री, फिशरी, पोल्ट्री, उस तरह की चीज़ें, तो ये तीसरा वो जरिया है। और आज वही है कि जो ये इन्होंने स्टेट लेवल पे ICR और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के इनिशिएटिव से जो इन्होंने प्लान तैयार की है, स्ट्रेटजी तैयार की है, उसको फाइनल टचेस देने के लिए, उसको डिस्कस करने के लिए ये आज इवेंट हो रहा है। राज्य स्तर समन्वय समिति की इस बैठक में डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, सचिव DARE और महानिदेशक ICAR ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने में ICAR की पहल के बारे में जानकारी दी। ICR के तरफ से हमने कोशिश किए हैं कि क्या राज्यों में टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन क्या हो सकता है, पॉलिसी का इंटरवेंशन क्या हो सकता है, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग मार्केट लिंकेज में क्या एफर्ट लगाना चाहिए ताकि किसान का आमदनी दुगुनी हो, और जो खर्चा है, जो लागत है, वो किस तरीके से कम हो सकता है ताकि किसान की आमदनी दुगुनी हो। हमने परिषद के तरफ से सारे राज्यों के लिए एक एक कमेटी बनाए हैं, और ये कमेटी में राज्य सरकार के अधिकारी हैं, केंद्र सरकार के विभिन्न जो डिपार्टमेंट है जो कृषि से जुड़े हैं उनके अधिकारी हैं, और एक वाइस चांसलर उसके चेयरमैन हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो अनुसंधान संस्थान है राज्यों में उसका एक डायरेक्टर, उसका कन्वीनर हैं, और ये कमेटी पिछले 6-7 महीने से इसके ऊपर काम कर रहा है कि एक स्ट्रैटेजी बने और क्या क्या उसमें इंटरवेंशंस हो उसके बारे में डिटेल ब्यौरा दिया जाए ताकि राज्य सरकार जिसको इम्प्लीमेंट करते हुए किसान का आमदनी दुगुनी कर सकता है। ये परिषद के तरफ से प्रयास है, और आज विशेषकर प्रोफेसर स्वामीनाथन साहब के अध्यक्षता में ये मीटिंग शुरू हुआ। SLCC कई बार विभिन्न हितधारकों से जुड़े मामलों पर चर्चा की गई है। मसौदा दस्तावेजों के सुझाव और प्रोफेसर स्वामीनाथन और प्रोफेसर रमेश चंद के मार्गदर्शन के आधार पर संशोधित किया जाएगा। ये कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ साझा किया जाएगा। ICAR मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति और ICAR संस्थानों के निदेशकों ने विचार विमर्श में भाग लिया। खेती किसानी के साथ ही अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे हमारा पशुधन की। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से गुरुवार शाम 6 बजे। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान, और गांव किसान के इस भाग में हम बात करते हैं हमारा पशुधन की। तो चलिए देखते हैं हमारा पशुधन। हमारा पशुधन में हम किसानों को पशुपालन से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां देते हैं ताकि इसे और बेहतर ढंग से व्यवसायिक रूप देकर वे अधिक लाभ कमा सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि पशुधन किसानों के लिए एक सच्चा धन होता है, क्योंकि जब विपरीत स्थिति होती है ऐसे में उनका पशुधन ही उन्हें आर्थिक सहारा देता है। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे किसान वैज्ञानिक तरीकों से पशुधन को अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं। तो आइए देखते हैं क्या विशेष है आज हमारा पशुधन में। हमारे देश की जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से कृषि का उत्पादन बढ़ नहीं रहा है। अब जरूरत है
एक विकल्प की और वो है हंस पालन। इन दिनों मुर्गी के अंडों की चाहिदा बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन मजे की बात यह है कि द्वितीय महायुद्ध के पहले यहां मुर्गी के अंडे खाने का रिवाज बिल्कुल नहीं था। सभी हंस के अंडे पसंद करते थे। अब यह सवाल उठता है कि क्या मुर्गी के अंडे का खाद्य गुण हंस के अंडे से ज्यादा है? हंस के अंडे में प्रोटीन ज्यादा, कैलोरी भी ज्यादा, अंडे का वजन भी कम से कम 15 से 20 ग्राम ज्यादा। हंस पालन एक लाभदायक पेशा है, इस बारे में कोई संदेह नहीं है, लेकिन इनमें से सबसे किफायती है खाकी कैंपबेल हंस। मछली और हंस का पालन समन्वय एक लंबे तजुर्बे और खोज की फसल है। बंगाल के मेदिनीपुर जिले में एक गांव है बड़ुआ। यहाँ के लोग ऐसे पालन प्रकल्प अपनाने के बाद बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। सवाल यह उठता है कि हंस ही क्यों, मुर्गी क्यों नहीं? हम इसलिए हंस का पालन करते हैं क्योंकि मेहनत कम और हंस को बीमारियां भी कम होती हैं। हंस अपने आप तालाब चले जाते हैं और शाम को वापस भी चले आते हैं। ये मुर्गी जैसे झगड़ालू प्राणी नहीं है, शांत है। आइए इस आधुनिक लाभदायक प्रयुक्ति को इस्तेमाल करके हम समृद्ध करें अपने परिवार, गांव और अपने देश को। शुरू करें एक नया जमाना। तो अभी आपने देखा हमारा पशुधन और आशा करते हैं कि हमारे किसान इस रिपोर्ट के माध्यम से दी गई सभी जानकारियों को ज़रूर याद रखेंगे और जब वे पशुपालन करेंगे, अगर आप पशुपालन में हैं तो इन सभी बातों को लागू भी करेंगे। इसी के साथ ही समय हो गया है इस महीने का यानी नवंबर महीने के पशुपालक कैलेंडर का, तो आइए देखते हैं क्या है नवंबर माह के पशुपालक कैलेंडर में। पशुपालक कैलेंडर नवंबर माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में तापक्रम अचानक कम होने की स्थिति में पशुओं को सर्दी से बचाव के उपाय करें। रात में पशुओं को खुले में ना बांधें। मुंहपका खुरपका रोग, गलघोटू रोग या फटकिया रोग के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हो तो कृपया समय रहते टीके लगवा लें। थनेला रोग से बचाव के उपाय करें। पशुओं को लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या बाटे में मिला कर दें। बरसीम व रिचका की बिजाई माह के मध्य तक अवश्य पूरी कर लें। तभी आपने देखा हमारा पशुधन और साथ ही हमने आपको बताया नवंबर महीने के पशुपालक कैलेंडर के बारे में। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम पहुंचेंगे अपने अंतिम पड़ाव में और हम आपको दिखाएंगे एक कामयाब किसान की दास्तां। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव के साथ। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। कहां चलेगी शीतलहर, कहां पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहां खिलेगी धूल, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती? देखिए मौसम खबर लाइव रोजाना शाम 5 बजे और शाम 7:30 पर। ब्रेक
ब्रेक के बाद गांव किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गांव किसान के इस भाग में हम बात करते हैं उन किसानों की जिन्होंने कुछ नया किया है और कृषि के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है। ये किसान हमारे अन्य किसानों को भी सफलता की राह दिखा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कामयाब किसान की दास्तां। हमारे पिताजी के पास जमीन कम थी, मात्र 1 एकड़ से मैंने अपनी खेती शुरू की। तो उसमें मैं अपनी पारंपरिक खेती की, तो उसमें मेरे को बचत बहुत ही कम आई, जिससे मेरा गुजारा होना बड़ा मुश्किल हो गया। बलवान अक्सर अपने इन हालात से लड़ने और कैसे पैदावार को बढ़ाया जाए यही सोचते थे। बलवान ने शुरू में अपने खेतों पर सब्जी उगानी शुरू की। सबसे पहले उन्होंने मिर्च और प्याज बोया। हमने अपना सब्जी का काम शुरू किया क्योंकि मोटे फसल से हमारे परिवार का गुजारा नहीं होता था। उस सब्जी के अंदर हम ज्यादातर अपने मिर्च और प्याज की खेती शुरू की थी। लेकिन वो अपने खेतों की पैदावार को और बढ़ाना चाहते थे और इसके लिए वो दिन रात मेहनत करते। अपने इस काम को अंजाम देने के लिए उन्होंने कृषि विभाग की मदद भी ली। उस समय यही दिमाग में था कि भी जमीन तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन पैदावार कैसे बढ़ाए जिससे हमारी आमदनी बढ़े तो हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो। बलवान जब भी खेतों पर काम करते वहां बीजों और तैयार होने वाली पैदावार को ध्यान से देखते। वो मूल्यांकन करते कि किस तरह के बीज ज्यादा अच्छी और गुणवत्ता वाली फसल देते हैं। बलवान ने पाया कि इस काम में उन्हें सबसे ज्यादा आनंद मिलता है। विभिन्न पौधों की किस्मों के अध्ययन ने बलवान की खोजी प्रवृत्तियों को मजबूत बनाया। वो जैविक खेती के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने नीम के पत्तों, फलों, गाय के गोबर और मूत्र को मिलाकर एक स्प्रे तैयार किया। वो इस स्प्रे को अपने खेतों में छिड़कते और पाते कि इससे फसल ज्यादा अच्छी और गुणवत्ता वाली होती है। प्याज की जो खेती है, हमारा ये देसी जो किस्म है ये, तो इसके अंदर हमारे को ज़्यादातर देसी जो खाद है उसका किसान अगर प्रयोग करता है तो इसकी पैदावार ज़्यादा मिलती है, न कि हमारे जो अंग्रेजी जो फर्टिलाइजर हैं उसका कम प्रयोग करेंगे तो इसकी पैदावार ज़्यादा मिलेगी। दरअसल यही छोटी छोटी घटनाएं थी जो खोजी बलवान को परिपक्व बना रही थी और उन्हें तैयार कर रही थी किसी बड़े काम के लिए। खेतों में काम के अनुभवों के दौरान बलवान सिंह ये जान चुके थे कि पौधों के बड़ा होने में दो चीजें बहुत अहम हैं। पहली उनके आसपास उग आई घास पात को हटाना और दूसरी सिंचाई। इस क्षेत्र में सिंचाई इसलिए भी मुश्किल थी क्योंकि यहाँ पानी 60 फीट नीचे था और वो भी खारा था, लिहाजा यहाँ कनाल इरिगेशन के जरिए ही सिंचाई होती थी और वो भी सूर्यास्त के बाद। बलवान सिंह इन सारी समस्याओं को देख और समझ रहे थे और इसके रास्ते भी तलाश रहे थे। तो उस समय पानी की भी बहुत दिक्कत थी, पानी इतना नहीं हुआ करता, ट्यूबवेल के साधन नहीं थे, तो वो कोशिश करते थे कि भाई इसको पैदावार को कैसे बढ़ाएं, यही चिंता रहती थी। बलवान सिंह विभिन्न कंपनियों के बीजों की गुणवत्ता का अध्ययन करते और साथ ही ये भी देखते कि किस तरह के बीजों से किसान किस तरह की अपेक्षाएं करते हैं। बलवान का अवचेतन कुछ नए बीजों को विकसित करना चाहता था। हमारे खेत के अंदर कुछ पौधे फल ज्यादा देते थे, कुछ कम देते थे, कुछ में बीमारी ज्यादा आती थी, कुछ में कम आती थी। इधर हमारा ध्यान आकर्षित हुआ कि इसके अंदर क्यों न इसके अंदर सुधार किया जाए कि भी ये पौधा पैदावार ज्यादा अच्छी दे रहा है, तो इस पौधे को कैसे हटाए, तो उसमें हमने अपनी छटाई शुरू कर दी। विभिन्न बीजों, बाजार और किसानों की उम्मीदों का अध्ययन करने के बाद बलवान सिंह ने पाया कि उनके प्रयोगों के लिए प्याज सबसे उपयुक्त है। हमने सोचा कि भी कैसे इस फसल को बढ़िया बनाया जाए, कैसे इसकी पैदावार बढ़ाई जाए, इसके बारे में हमारे दिमाग में अंदर ये बातें आई। तो हमने धीरे धीरे ये पाया कि भी ये जो किस्म है, ये मिली जुली किस्म है, पुरानी जो हमारे देसी भी जो बीज होया करते थे उन्हीं की ये किस्म थी, उन्हीं की वैरायटियां थी, तो हमने इसके अंदर सुधार अपना शुरू किया।
1984 के आसपास की बात है। बलवान का भाई पड़ोस के गांव से कुछ प्याज लाया। बलवान ने देखा कि वो प्याज बहुत बड़े और लाल रंग के थे। ये प्याज पूरी तरह गोलाई लिए हुए थे और इनके छिलके बहुत सख्त थे। एक अनुभवी किसान होने के नाते बलवान सिंह ये बात जानते थे कि अच्छे बीजों से ही अच्छी फसल पैदा होती है। जिंदगी का यही मोड़ था जब बलवान सिंह ने प्याज के विभिन्न बीजों की ब्रीडिंग और ग्रेडिंग शुरू कर दी। वो प्याज का एक नया बीज तैयार करने में जुट गए। साल दर साल गुजरते रहे और वो अपने प्रयोगों में जुटे रहे। वो बार बार एक ही प्रक्रिया को दोहराते ताकि तैयार होने वाले बीज को शुद्ध और उम्मीदों के मुताबिक बनाया जा सके। आश्चर्यजनक रूप से बलवान सिंह लगभग 17 साल कोशिश करते रहे और फिर उनकी मेहनत रंग लाई और वो प्याज की एक नई किस्म का बीज तैयार करने में कामयाब हो गए। कुछ प्याज तो खराब नहीं होते हैं, कुछ प्याज खराब होते हैं। तो जो खराब किस्म के जो पौधे थे, जो उसके गंठे थे, जो कन थे, उनको हमने अलग कर दिया, दूसरे कन से हमें बीज तैयार किया। तो फिर देखा कि भी इसके अंदर जो जो वैरायटी है जो ये तैयार हुई है हमारी, इसके अंदर मार्केटिंग का भाव है ना जो कम मिल रहा है। तो इसके अंदर मार्केटिंग के हिसाब से हमने ये देखा कि भी ये ऐसे जो प्याज के जो कन हैं, प्याज जो है उसको पसंद करते हैं, और जो यो कंद है ऐसे प्रकार के जो कंद हैं वो ख़राब नहीं होते, गर्मी को सहन कर जाते हैं, जो कि मतलब सूखों को भी सहन कर जाते हैं। ऐसे कंदों के हमने चुनना शुरू किया, ऐसी वैरायटी हमने तैयार की। धीरे धीरे हमारे पास अच्छी वैरायटी तैयार होगी, जो प्याज आपके जो वैरायटी है आपके सामने लगी हुई है, और काफ़ी सालों से ये वैरायटी मैं किसानों को बना के दे रहा हूँ। जब आपकी मेहनत सफल होती है तो इंसान अपने सारे संघर्षों, सभी निराशाओं को भूल जाता है। बलवान सिंह ने प्याज की जो नई किस्म तैयार की थी उसे नाम दिया बलवान प्याज। हमारी जो किस्म है जो हमने तैयार की है बलवान प्याज, ये जमीन से ज्यादा शक्ति नहीं खींचती, इनकी बजाय जो खुराक है वो कम लेती है, कम खुराक के अंदर ज्यादा पैदावार देती है। प्याज की इस नई पौध से प्याज की ज्यादा फसल होती है और पैदा होने वाले प्याज को लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। तो अभी आपने देखी कामयाब किसान की दास्तां। हमारी कोशिश होती है कि ऐसे किसानों को गांव किसान में एक मंच दिया जाए ताकि उनका आत्मविश्वास भी बढ़े और अन्य किसानों को प्रेरणा भी मिले। इसी के साथ ही आज के गांव किसान में फिलहाल इतना ही। नए एपिसोड के साथ, नई जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।